हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। देखिए, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल का हमने न्यूमेरिकल तो कर रखे हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल का न्यूमेरिकल तो हो रखा है, लेकिन उस पर हम क्या करेंगे ना, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल। देखिए, जो बेसिक न्यूमेरिकल था वो आपको पता लग गया है, एक बेसिक न्यूमेरिकल का बेसिक तो आपने कर लिया है, ठीक है। ये तो हो गया है। अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, थोड़ा सा एडवांस चलेंगे, इसको भी देख लेते हैं। और भी जो थोड़ी बहुत स्मार्टनेस वाली चीज़ें हैं, ठीक है, स्मार्टनेस की जो चीज़ें हैं उसको भी हम देखेंगे कि कैसे स्मार्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं, ठीक ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक पैरेलल का क्वेश्चन लेंगे और उसमें से हम आपको चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। समझ लो, कभी ये आ गया, लेट अस से आर आर और ये आर है, समझ लो इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो तुमसे आर इक्विवेलेंट बोला कि भाई आर इक्विवेलेंट बताओ इसमें, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा ना, वो डायरेक्ट आर डिवाइडेड बाई, ये कितने नंबर हैं, एक दो तीन है ना, ठीक है। यहाँ पे कितने कितने आर थे, तीन थे, तो डिवाइडेड बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। समझ लो इसी की जगह पे अगर टू होता, दो रेजिस्टेंस होता, एक ये, और देखो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, ये भी बात है, ठीक है, आर ये भी आर, ठीक है। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट होता, इसका जो आर इक्विवेलेंट होता वो क्या होता, आप लोग बताओ, वो आर डिवाइडेड बाई टू हो जाता, वैल्यू ऑफ दिस अपॉन ये कितने हैं, एक और दो, दो था ना, तो आर डिवाइडेड बाई टू हो गया, ठीक है। तो वैसे ही इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, देखा जाए क्या आता है, ठीक। तो तुम्हारे स्क्रीन पे मैं न्यूमेरिकल एक बना देता हूँ और तुम अपनी कॉपी में उसको सॉल्व करो, ठीक। तो यहाँ पे मैं समझ लो डाल दिया 10 और 10, मैं पूछा इसका आर इक्विवेलेंट बताओ, आर इक्विवेलेंट बताओ, क्या हो जाएगा, 10/2 = 5 ओम, ठीक है। अब सिमिलरली मैं बना दिया, समझ लो यहाँ पे एक दो और एक ऐसे बना, ठीक है। इसको मैं वैसे दे दिया 9, इसको भी 9 और इसको भी 9, और बोला कि भाई आर इक्विवेलेंट इसका बताओ, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 9/1, 2, 3, ठीक है, तो बराबर 3 ओम तुम्हारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके स्क्रीन पे अगर कोई क्वेश्चन हो इस तरीके से, देखो एक आर दो ऐसे ऐसे करके है, एन टाइम्स है, समझ लो ये कितना है, एन टाइम्स है, एन टाइम्स। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, और सबकी वैल्यू भी लेटर से आर आर आर, इसका जो आर इक्विवेलेंट होगा वो आर डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं जो तुम ध्यान में रख लो, अगर ध्यान में रखोगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से सवाल को कर सकते हो, ठीक। और नीचे आते हैं, देखते हैं, तो समझ लो स्क्रीन पे मैं तुम्हारे सामने एक सवाल लिखता हूँ, उसको तुम अपने कॉपी में सॉल्व करो। सवाल क्या है, इस तरीके का है, एक दो और तीन, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ लेटर से 20, 20 और 10, और तुमसे आर इक्विवेलेंट पूछा हूँ, आर इक्विवेलेंट सॉल्व करो, ठीक है। तो तुम क्या लगाओगे, अपना बेसिक फार्मूला लगाओगे और उससे तुम अपना सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तुम उससे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो दोनों बीस हैं, इसका आर इक्विवेलेंट निकालो, ये क्या हो जाएगा, ये 20/2 = 10 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या, ये इस तरीके से बन गया, देखो अपना जो 10 था, ये वाला 10 तो इधर आ गया, और उसके ऊपर इन दोनों का आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये जो दोनों का आर इक्विवेलेंट आया था 10, वो इसके ऊपर आ जाएगा। अब देखो 10 और 10 क्या हो गए, 10 और 10 तुम्हारे पैरेलल में हो गए, तो ये हो जाएगा 10/2 = 5, ठीक है। और अगर सॉल्व भी करोगे तो भी वो तुम्हारा 5 ओम आएगा। लेकिन देखो हम लोग ने कितना स्मार्टली इस चीज़ों को सॉल्व किया,
ठीक है, तो तुम्हें एक्चुअली यही स्मार्टनेस को दिखानी है, यही स्मार्टनेस को पहचानना है, तब जाकर के जो क्वेश्चन है ना वो तो तुमसे तुरंत हिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ लेटर से और उसको भी तुम सॉल्व करो। ठीक है, तो एक दो ठीक ऐसे करके है, 1 2 3 4 और ये है तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पे है तुम्हारा लेटर से 27 27 एंड 27 ओम। ठीक है, और ये है तुम्हारा 9 9। इस तरीके से अब तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो तुम्हारी हालत ख़राब हो रही होगी, भाई ये 1/r इक्विवेलेंट लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे, नहीं कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसका देखो इसका कितना आ रहा है, इसका कितना आएगा, इसका तुम्हारा 27/3 बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर मान लो एक 9 लगा हुआ है। ठीक है, इसका आर इक्वेलेंट तो इसके ऊपर लगा रहेगा, 9 9 और 9। अब इसका क्या आ जाएगा, जो इसका आएगा वही फाइनल आंसर है, 9/3 बराबर 3 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके जो तुम्हारे पैरेलल के को जो कॉम्बिनेशन होते हैं इस तरीके से उसको तोड़ करके और उसको मोर अंडरस्टैंडेबल बना सकते हो और उसको तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही बेसिक और भी बेसिक ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को आप लोग क्या कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चैनल को देख रहे हैं बट दे आर नॉट कमेंटिंग। ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, कमेंट करने से क्या होता है, एक मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इस और भी मतलब वीडियोस लाने के लिए, और मैं और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपको क्वेश्चन में बताता रहूँगा, क्योंकि ये सब क्या है कि मैं अपने कोचिंग क्लासेस में नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम मुझे क्लास लेके चलनी होती है, कि और क्या होता है कि ये सब जो ट्रिक्स हैं वो ऑब्वियसली ऐसे स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ में आती है जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बट जब आप कोचिंग में पढ़ाते हो जहाँ पे आपके पास 50 60 स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको क्लास ले के चलना होता है। तो क्लास में आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली वो तो देना ही होता है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर की चीज़ें होती हैं, तो कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ चीज़ें उतने जल्दी नहीं कैच कर पाते, तो इसीलिए मैं सोचा हूँ कि मैं सारे जो भी ट्रिक्स हैं उसको मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो आप क्या करो, लाइक लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के कर दो प्लीज़ इस वीडियो के लिए। धन्यवाद।